आज हम पढ़ेंगे NIOS की पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड है 317, इसके 19 चैप्टर को, जिसका नाम है सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का महत्व के को टॉपिकों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक आंदोलन का अर्थ, कि सामाजिक आंदोलन किसे कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यानी कि समाज के अंदर जो परिवर्तन लाने के पर्पस से जो भी आंदोलन चलाए जाते हैं या लोगों द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं, उसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सुधार आंदोलन। समाज में फैली कुरीतियाँ यानी कि बुरी चीज़ें, जैसे छुआछूत, स्त्री प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों को सुधार आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन सरकार के सहायता की मांग करते हैं, सरकार से किसकी मांग करते हैं, सहायता की मांग करते हैं। यह आंदोलन शिक्षा, जनसंचार द्वारा तथा जनता को अपनी बातें समझाकर सामाजिक सुधार लाने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं सुधार आंदोलन के अंदर, जो समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियाँ, कुरीतियाँ का मतलब बुरी चीज़ है, जैसे कि छुआछूत होना, सती प्रथा होना, बाल विवाह होना। सती प्रथा आपको पता होगा कि जिसमें स्त्री को उसके पति के मरने पर जिंदा जला देते थे, बाल विवाह, बचपन में शादी होना, ऐसी कुरीतियों को समाज से दूर करना ही सुधार आंदोलन में आता है। सेकेंड पॉइंट है जनतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन। सुधार चुनावों के समय मानवाधिकारों के हनन होने पर चुनाव प्रणाली में परिवर्तन के लिए कई बार आवाज़ उठाई जाती रही है। ऐसे आंदोलन को जनतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन कहते हैं। चुनावों के समय अगर मानवाधिकार आपके अधिकार छीनते हैं, अगर तब अगर आवाज़ अगर कोई संस्था या ग्रुप उठाता है, तब उसको जनतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन कहा जाता है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांति का मतलब ही होता है सुधार। जो आंदोलन अपनी बातें मनवाने के लिए हिंसात्मक तथा असंवैधानिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं, ऐसे आंदोलनों को क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। यानी कि जो आंदोलन क्या करते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए, जो वो चाहते हैं, जो सही मांग वो चाहते हैं उनको मनवाने के लिए, कि सरकार उनकी बातों को मान ले, और वो इसको मनवाने के लिए हिंसात्मक यानी कि लड़ाई झगड़ों का सहारा या असंवैधानिक गतिविधियों का अगर सहारा लेते हैं, तब ऐसे आंदोलनों को क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। जैसे नक्सलवादी आंदोलन तथा बिहार में माओवादी आंदोलन का होना। फोर्थ है प्रतिरोधक आंदोलन। कई बार सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुछ विकास कार्यक्रमों द्वारा समाज के किसी खास वर्ग के लोगों के हित प्रभावित होते हैं। इन कार्यक्रमों से सामाजिक रीति रिवाज प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में समाज के लोगों द्वारा संगठित होकर ऐसे कार्यक्रमों का विरोध किया जाता है तथा उसे रोकने अथवा उसमें परिवर्तन करने की मांग उठाई जाती है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े बांधों के निर्माण के लिए जब वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाता है, हरे भरे पेड़ों की कटाई शुरू की जाती है तथा अभद्र ढंग से हिंसात्मक कार्रवाइयों की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जनसंचार माध्यमों द्वारा विरोध किया जाता है, उसे प्रतिरोधक आंदोलन कहा जाता है। यानी कि किसी चीज़ को रोकने में जो लोग वहाँ के भूमिका निभाते हैं, जैसे कि बांधों को बनने के कारण क्या होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसे आंदोलनों को जब लोग करते हैं तब उसको प्रतिरोधक आंदोलन कहते हैं। फिर है फिफ्थ पॉइंट है प्रतिक्रियावादी आंदोलन। प्रतिक्रियावादी आंदोलन का स्वरूप भी लगभग प्रतिरोधात्मक आंदोलन की तरह का ही होता है। जब सरकार द्वारा किसी व्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तन किया जाता है, तो उस पर जनता की जो प्रतिक्रिया होती है उसे प्रतिक्रियावादी आंदोलन कहते हैं। इन आंदोलन के पीछे सरकार के ऊपर दबाव डालकर पुराने सामाजिक रीति रिवाजों
की रक्षा करने तथा उन्हें जस के तस बना रहने देने का उद्देश्य होता है। विभिन्न धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को प्रतिक्रियावादी आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे आंदोलनों के पीछे कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के उद्देश्य दिए होते हैं। यानी कि जब किसी व्यवस्था में सुधार लाना होता है और उसमें जब जनता जब रिएक्ट करती है, यानी कि उसमें उठ खड़ी होती है आंदोलन करने के लिए, ऐसे आंदोलनों को प्रतिक्रियावादी आंदोलन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि मानवाधिकार आयोग की शुरुआत कैसे हुई और इसके क्या महत्व हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई भारत में? सन 2000 में। मानवाधिकार आयोग के कार्य या महत्व क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है, यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है कि मानव को मिले हुए अधिकारों को कोई मतलब उनसे भेदभाव तो नहीं हो रहा है, तो उनकी शिकायतों की भी वो जांच करता है। सेकंड है, यह जेल में कैदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है कि उनके साथ और ज़्यादा बुरा सलूक तो नहीं किया जा रहा है जेल के अंदर कैदियों के साथ। थर्ड है, यह मानवाधिकार के संबंध में शोध कार्य को प्रोत्साहित करता है। फोर्थ है, यह मानवाधिकार के आयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। वो ये देखता है कि देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी भी वो जांच करता है। नेक्स्ट है, यह मानवाधिकार के क्षेत्र में संलग्न गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ होते हैं जिन पर गवर्नमेंट का हाथ तो होता है पर वो कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट के ही होते हैं पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस पर काम नहीं करती है। तो क्या करते हैं, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दीवानी अदालतों की समस्त शक्तियाँ, विशेषतः गवाहों को बुलाने तथा उनकी गवाही लेने की शक्ति प्राप्त है। यानी अगर दीवानी अदालतों का कोई मुकदमा आता है तो मानवाधिकार आयोग भी गवाह को बुलाकर उसके बारे में उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे पर्यावरण आंदोलन के बारे में। पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोगों द्वारा आंदोलन किया जाता है उसे पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। नेक्स्ट है महिला आंदोलन, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, दहेज प्रथा, पारिवारिक हिंसा आदि से महिलाओं को बचाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसे महिला आंदोलन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सामाजिक आंदोलनों का महत्व क्या होता है तथा उनकी भूमिका क्या है। सामाजिक आंदोलनों का महत्व, इन आंदोलन के कारण लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सेकंड है, सामाजिक कल्याण तथा पर्यावरण संबंधी पर लोगों की सक्रियता बढ़ी है। थर्ड है, किसान तथा आदिवासी आंदोलन भी अस्तित्व में आए हैं इसके बाद। फोर्थ है, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण आंदोलन की भूमिका क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक आंदोलनों ने व्यक्ति की एक विशाल समाज से तुलना करने की कोशिश की है ताकि व्यक्ति समाज से जुड़ सके। सेकंड पॉइंट है, ये आंदोलन व्यक्ति को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करने का प्रयास करते हैं। थर्ड है, ये आंदोलन आम आदमी की बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। फोर्थ है, सामाजिक आंदोलन ने लोगों को जागरूक बनाने तथा शिक्षित करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है।